हे अंबे माँ, ये कैसे हुआ? ये तो सारी झांकी खराब हो गई। हाय रप्पा, ये तो मुझे चॉकलेट के दाग लग रहे हैं, ये तो नहीं जाने वाले। हाँ पर हमारे घर में चॉकलेट कौन खा सकता है? केतु, केतु खा सकती। मैं अभी उसको सबक से। केतु की गलती नहीं है मामी, मेरी गलती है। मुझे व्रत के नाम से वीकनेस हो रही थी, फिर कल रात में 12 बजे से पहले मैं चॉकलेट शेक पीने आई थी, तभी शायद ये मुझसे छाकी पे गिर गई होगी। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, और मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। गॉड प्रॉमिस। तू बच्ची है क्या कुहू? मिष्टी की सारी मेहनत खराब कर दी, अब इतनी जल्दी ये सेम टू सेम झांकी कैसे तैयार होगी? एक मिनट वर्षा आंटी, अब होगा WWF का मुकाबला। कुहू से गलती हो गई, पर कोई बात नहीं। I'm really sorry, मिष्टी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। माँ सही कह रही है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बट माँ, मैं मिष्टी की मदद करा दूंगी, हम विद इन नो टाइम ये झांकी फिर से बना लेंगे। हाँ। अरे कुहू, जय श्री कृष्ण। हाय कुणाल। हाय कुहू, एक घंटे में रिपोर्टर्स आने वाले हैं, सो ये मत कहना कि टाइम नहीं मिला रेडी होने का। गेट रेडी। ओके कुहू, तू जल्दी जाके रेडी हो, ज्यादा टाइम नहीं है, ये सब मैं संभाल लूंगी। यू श्योर? आई एम रियली सॉरी एंड थैंक्स। मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ, तेरी हेल्प कर। जा पारुल बेन, हूँ आऊँ छू। हाँ वर्षा आंटी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही, जाके आराम से बैठिए। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फिक्स करने में तो मैं और मासी चैंपियंस हैं। क्यों भाभी, मैं कुहू की ड्रेस देख के आती हूँ। मिष्टी प्लीज ये बात मीनाक्षी जी से मत कहना, वरना वो जब कोई बात ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगी। डोंट वरी। थैंक यू सो मच मिष्टी, मैं अभी आती हूँ। मुझे माँ को ये बताना होगा, उसे इतनी बड़ी गलती हुई लेकिन मिष्टी ने उससे जरा सा भी झगड़ा नहीं किया। कुहू मेरी बात सुनना। हाँ। ये मुंह बोली ने लड़ाई शड़ाई का इतना अच्छा मौका कैसे खो दिया? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? ऑब्वियसली ठीक है चाची, अब आप शुरू मत हो जाना। ओहो कुहू, तू मेरी बात ही नहीं सुनती। हाँ ये तो एक्चुअली बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रही, ऐसे कैसे? ओ माँ सरस्वती नमो नमः। अरे नहीं यार कुणाल भाई, प्लीज मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा, आप समझो बात को। अरे लेकिन क्या हो रहा है वहाँ? माँ मैं इसके स्टाइल को एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे स्टाइल को रिजेक्ट कर रहा है। भाई मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई नो वियर्ड लगेगा, प्लीज। नहीं नहीं एक सेकंड भाई, प्लीज ये देखिए। माँ कितना वियर्ड लग रहा है, आप भी समझाओ ना इन्हें, मैं बोल रहा हूँ ये समझ नहीं रहे। मैं ये लगाना चाहता हूँ इसके सूट पे। आई थिंक मुझे ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हेलो हेलो माँ डिसाइड करेंगी। माँ एक बात बताओ, अभी इसकी फोटो कुहू के साथ खींचेगी? मतलब एक गुलाब ऑलरेडी इसके पास है, तो ये ये एड ऑन करेगा, ये और ज्यादा हैंडसम लगेगा, राइट? मैं भी इसे यही कह रहा था। थैंक यू माँ। भाई आप ये क्या कर रहे हो? ब्रेक डांस करो। अरे गरबा कर रहा हूँ और क्या, मेरा भाई बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बन रहा है, तो मुझे तो गरबा करना ही है ना। माँ आप जानती थी ना ये फूल की चॉइस भाई की है, इसलिए आपने लगाई ना? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरे दोनों बेटों के लिए सही हो, उनकी भलाई छुपी हुई हो। माँ पूरा राजकोट जानता है क्या कि भाई आपके फेवरेट है, और पूरा इंडिया जानता है कि तू मीनू का मुन्ना है। यू नो राइट भाई कि माँ आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और तू जानता है राइट कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। एक बात कहूँ तुम दोनों से, मेरे दोनों बच्चों को इस तरह से एक दूसरे से प्यार करते हुए देखकर माँ के दिल को बहुत ठंडक पहुँचती है। माँ अम्बे से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी ही संतान का सुख तुम दोनों को मिले। माँ हम दोनों ऐसे हैं क्योंकि हमारी माँ बेस्ट, राइट भाई? इस मामले में तेरे ख्याल बड़ी माँ से बहुत मिलते हैं, बड़ी माँ भी यही कह रही थी। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, मुझसे भी अच्छी माँ कुहू और मिष्टी बनेंगे, राइट? मिष्टी इतनी जल्दी वैसी झांकी बनी नहीं सकती है, ये सब कुहू की गलती की वजह से हुआ है। गलती किसी से भी हो सकती है आंटी, कोई बात नहीं,
लेकिन होती तो हर बार कुहू से ही है ना। वर्षा बेटा क्यों इतना परेशान हो रही है? बड़ी माँ परेशान मत हो तू भी। देख बेटा, बच्चों की गलती पर पर्दा डालना जितना बुरा होता है, उतना ही बुरा होता है उन्हें उसी गलती पर बार बार डांटना। और मिश्री तो बिना जाने इस अनहोनी के लिए पहले से तैयार थी। मैं? हाँ तू, और कौन? इतनी चिंता मत कर, उधर देख। आइए आइए लाइए। बड़े पापा ये? बेटा पहले आप उसे हटाइए, हम आपको बताते हैं। हाँ बेटा। हाँ संभाल के, आराम से बेटा रख दीजिए। बड़े पापा ये? बेटा आप ही ने तो हमें बताया था कि राजकोट के बाजार में आशा किरण की झांकियों का स्टॉल लगा है। ये पहल भी आप ही ने की थी ना। हमें पता था इतना अच्छा ख्याल हमारी बेटी को ही आ सकता है। थैंक यू बड़े पापा। अब तो सब ठीक है ना आंटी? स्माइल मिश्री, देख मैं फटाफट रेडी हो गई ताकि मैं तेरी हेल्प कर सकूं। संभल के, लगी तो नहीं? नहीं, थैंक्स पारुल मां। प्यारी लग रही है। झांकी तो रेडी भी हो गई। विशंभर जी, राजश्री जी, आप सब लोग कब आए? जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये कुणाल बेटा, वो जर्नलिस्ट कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे। अरे तुमने तो कहा था कि वो एक मिनट भी लेट नहीं होते। मुझे भाग भाग के रेडी करा दिया और अब वो लोग कहाँ हैं? वो उन लोगों के लिए शहर नया है ना, तो वो लोग गलत जगह चले गए थे। पूजा के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो भी हमें पूजा में ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक हमें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। अबीर? हाँ, जन्माष्टमी पे पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि इसमें थोड़ा राजवंश का तड़का भी लगा दें। और इस तड़के को रिकॉर्ड करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। पर अबीर ये तो बताओ कि तुम लोग करने क्या वाले हो? हम एक छोटा सा स्किट करने वाले, उसे रिकॉर्ड करेंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे। हमें जितने लाइक्स मिलेंगे ना, हमारा स्पॉन्सर हमें उतना ही डोनेशन देगा, और वो सारा डोनेशन हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी कल जब तुम घर आए, तुमने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं हमें। वो एक्चुअली मैं कुकू की इतनी ग्रैंड न्यूज को ओवरशैडो नहीं करना चाहता था ना। बातें मत बनाओ। देखा मां आपने, अब तो अभी घर में भी आता है तो बस थोड़ी सी देर के। नहीं आंटी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। टाइम निकाल के 5-6 महीने के लिए आपके घर पे आ जाता। 5-6 महीने? घर जमाई बनने का इरादा है क्या अभी? नहीं नहीं माँ, बस एक लॉन्ग छुट्टी। फिर तो हम सब साथ चलेंगे। हैशटैग टुगेदर फॉरएवर। अबीर, स्किट के लिए तैयार होकर आ। हाँ हाँ हाँ। जाओ। बोलो हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। वाओ, आपके फोटोशूट के बहाने हमें इतना अच्छा सेलिब्रेशन देखने को मिल गया। आप गुजरात की लीडिंग एनजीओ आशा किरण के चेयरपर्सन है ना? ये मेरे बड़े भाई अबीर राजवंश, द मैन ऑफ एवरी ईयर, और ये मेरी जान है। कुहू? हाँ, इससे पहले मुंह बोली, सबको अपनी तरफ खींच ले। तू एक काम कर, तू बीच में कूद जा, जा इन लोगों से बातें कर। हाँ जा। ये जलेबियाँ हमारी एनजीओ की दीदीज ने बनाई है, इससे आई सारी इनकम हम उनके वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। इतनी अच्छी जलेबियाँ तो मैंने कभी नहीं खाई। लो जी, हो गया कांड, अब तो खड़ी रहे यहाँ पे, मैं तो जा रही हूँ। सर, इंटरव्यू स्टार्ट करें? या श्योर, गो लेट्स गो। आइए जाओ जाओ, कर लो इंटरव्यू, कर लो। ऑल द बेस्ट। मुझे ढूंढ रहे थे? अगर तुम चाहो तो मुझे अपने हाथों से जलेबी खिला सकते हो। ओके, रिलैक्स, मुझे भी खाने का कोई खास शौक नहीं है, लेकिन मुझे। खूबसूरत रात ये है साथ तेरा मांगे दिल ये मेरा खुशी। मिश्री, अबीर जी,
जी बड़ी माँ। ऐसे तो तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन बेटा जल्दी से कपड़े बदल के आ जाओ, सब पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ हाँ ओके। अबीर मिष्टी, सबसे पहले बाल गोपाल को झूला, तुम दोनों झूला। पता नहीं ये हमारे लिए सही टाइम है या नहीं। यही सही टाइम है मिष्टी। आज मैं आपसे बस एक चीज मांगूंगी, मेरे बेटे बहू की गोद में भी छोटे से बाल गोपाल दे दीजिए। तुम कान्हा जी की मूर्ति को ऐसे क्यों देख रहे हो? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हें सिर्फ बेटा ही चाहिए? नहीं मिष्टी, और मैं अपने बच्चों के नाम भी अभी से नहीं सोच रहा हूँ। फिर क्या सोच रहे थे? एक्चुअली इस बारे में मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था, सुनोगी? ऑफ कोर्स। बाबा गए थे छोड़ के, तो साथ में आधा मन गया था, साथ में सब खुशियां गई थी, साथ में बचपन गया था। तड़पते हुए दिल के लिए पर बन के सावन आएगा, खेलने आंगन में साथी फिर से बचपन आएगा। कोई तेरे जैसी आंखों वाला, कोई मेरे जैसी बातों वाली, कोई छोटे छोटे कदमों वाला, कोई छोटे छोटे हाथों वाली। एक पल को भी कभी वो हाथ न छोड़ेगा, तो कुछ भी कर ले जिंदगी साथ न छोड़ेगा। तुम्हारा ये वादा जरूर पूरा होगा अबीर। मेरा सबसे पहला वादा तुमसे है, हम हर फैसले की तरह ये फैसला भी मिलकर लेंगे। मैं क्या सोचता हूँ ये तो मैंने बता दिया, लेकिन तुम इस बारे में क्या सोचती हो? माँ बनने के ख्याल से तुम्हें डर तो नहीं लगता ना? और लगता है तो इट्स फाइन, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम एक्चुअली इस बारे में क्या सोचती हो। सॉरी हम डिस्टर्ब तो नहीं करे? ओहो ऐसी भी क्या फॉर्मेलिटी, मैं आप दोनों को फोटो शूट के पिक्चर सिखाने आई। प्रदीप मिष्टी आना, तू भी देखना, देखो। अरे वाह तू तो स्टड लग रहा है भाई। और हमारी खूब भी कम नहीं लग रही है, ये तो ताज में चढ़ा हुआ कोहिनूर लग रही है। ताज कोहिनूर, इतने एंशिएंट एग्जांपल्स। ये तो पैदा ही ओल्ड हुई थी, 100 इयर्स ओल्ड। अरे पर मुझे तेरा एग्जांपल अच्छा लगा। हमें अपनी फेवरेट फोटो चूज करके आज रात उन लोगों को भेजनी, आज रात मैगजीन प्रिंट होगी और कल रिलीज, और फिर कल से मेरा हैशटैग सुपरस्टारडम शुरू। वाओ कांग्रेचुलेशंस। अच्छा गाइस बाय द वे उनके फोटोग्राफर्स ने आप लोगों की भी बहुत क्यूट पिक्चर क्लिक की है, दिखाना मोबाइल। नाइस सी, नॉट बैड, नाइस। लेकिन ये हुआ कैसे? मैगजीन पे तो कुणाल और कुहू की फोटो छपनी थी ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग कुणाल। भाई मैगजीन आ गई? नहीं 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 तो स्टॉप जोकिंग भाई, ये तो रे दिखाओ ना प्लीज। अरे ये कुछ और है, मैगजीन नहीं है, छोड़ना। भाई ये वही मैगजीन है, मैं एक बार फोटो तो देख लूं। माँ कुणाल, एक्चुअली उन लोगों से फोटो प्रिंट करने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। ओह नो, उन्होंने गलती से वो फोटो तो नहीं प्रिंट कर दी जिसमें एज पर कोहू उसके एक कान बड़े लग रहे और एक कान छोटे। एनीवे लेट मी सी भाई, दिखाओ ना फोटो। अरे नहीं ना। क्या हो गया भाई, अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, दिखाओ ना। अरे नहीं ना, बस तू खुद पे ऑलरेडी इतना फिदा है, अब पूरा दिन अपनी फोटो थोड़ी देखेगा। व्हाट मैं, भाई दिखाइए ना प्लीज।
कुनाल एक काम करो, तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर बातें करते जाओ। मिस्टी डेफिनेटली बातें होंगी, लेकिन एक सेकंड मुझे फोटो तो देख लेने दो। अरे मैगजीन कहाँ भाग के जा रही है, तुम जाओ ना। आप लोग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? अगर कुहू की फेवरेट फोटो की जगह कोई और फोटो प्रिंट हो गई तो दैट्स फाइन भाई, मैं उसे समझा दूंगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई और फोटो प्रिंट हो गई, प्रॉब्लम ये है कि किसी और की फोटो प्रिंट हो गई। कुहू, कुहू तो एक काम करना, उन्हें अच्छे से डांट लगा। I'm sure इस गलती को ठीक करने का कोई तो तरीका होगा। Oh, hold on guys, एक सेकंड। Guys, I need to know हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसमें मेरी और तुम्हारी फोटो प्रिंट होने की जगह इसकी फोटो प्रिंट हो गई। कुहूर शराब मिश्री, मेरा मैगजीन मोमेंट भी मेरी सारी खुशियों की तरह तुझे मिल गया। अब कम से कम मुझे रोने तो दे। वो तो जानती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वही तो बात है, ये सब तूने नहीं किया है, ये तेरे लिए उसने किया है। मेरे माँ की खुशियों की तरह, सब चीज की तरह इस बार भी मेरी खुशियों का शहर तुझे ही दे दिया। ऐसा क्यों? हमेशा मुझे लगता है कि इस बार मुझे मुझे बड़ा रोल मिलने वाला है इस बार, लेकिन हमेशा एंड मोमेंट पे वो डिसीजन बदल देता है। तो हीरोइन बन जाती है और मैं साइड में बैठ के रोती रहती हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ मैं? अर्जुन पार्शियलिटी, मैं उस दिन का कितने मन से इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तेरी खुशियाँ, तेरा रोल, तेरा सब कुछ मेरे नाम होगा। कुहू नहीं कुना, उसे ऐसा करना ही होगा। तो देख लेना, एक दिन मैं सेंटर स्टेज पे होगी मिष्टी, और तू बाजू में बैठ के रो रही होगी। हैशटैग जस्टिस जरूर होगा, देख ले। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।